क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी एक भारतीय सर्जन महर्षि सुश्रुत ने की थी, और वो भी 2600 साल पहले। प्राचीन भारत के ये फिजिशियन, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, उन्होंने 300 सर्जरी का इन्वेंशन किया और उसे लोगों को सिखाया भी। आखिर कहाँ से मिली सुश्रुत को सर्जरी की प्रेरणा और कैसे किया इन्होंने ये आविष्कार? इन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। लगभग 2600 साल पहले वैदिक कालखंड में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था सुश्रुत। सुश्रुत उत्तर भारत के एक पुरातन और पवित्र जगह काशी में रहते थे, जो आज बनारस व वाराणसी के नाम से जाना जाता है। काशी के महाराज काशीराज दियोदास महर्षि सुश्रुत ने मेडिसिन का ज्ञान इन्हीं से प्राप्त किया था। एक वैद्य होने के नाते उस समय में युद्ध में घायल हुए सैनिकों का इलाज महर्षि सुश्रुत करते थे। सैनिकों की अवस्था को देखकर सुश्रुत को सर्जरी की प्रेरणा मिली, जिससे वो सैनिकों के शरीर के टूटे हुए अंग को और जख्मों को सर्जरी के माध्यम से ठीक करते थे। उस जमाने में किसी अवैध अपराध पर अपराधी का नाक काटने का दंड दिया जाता था। सुश्रुत राइनोप्लास्टी या नाक की सर्जरी का आविष्कार इन्होंने ही किया, जिससे वह टूटे हुए नाक को दोबारा फिर से जोड़ सके। सुश्रुत दुनिया के पहले कैटरेक्ट सर्जन भी थे, जिन्होंने कई लोगों के आँखों को भी ठीक किया था। करुणा और स्नेह से अपना काम करने वाले सुश्रुत ने सर्जरी जैसी वैज्ञानिक विधा का आविष्कार किया, जो कि उस समय में बिल्कुल ही नहीं था और सबके लिए नया भी था। इन्हीं कारणों की वजह से उन्हें फादर ऑफ आल सर्जरी भी माना जाता है। सर्जरी के आविष्कार के साथ साथ सुश्रुत को ये ज्ञान हुआ कि उन्हें कई सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत होगी, और ज़रूरत ही हर खोज की जननी होती है। इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए सुश्रुत ने 121 इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया, और ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले सर्जन थे। इन आविष्कारों से यही पता चलता है कि महर्षि सुश्रुत का ज्ञान समय की कसौटी पर खरा उतरा है। सुश्रुत ने अपने ज्ञान को संस्कृत के रूप में लिखा, जिसे सुश्रुत संहिता के नाम से जाना जाता है। लिटरेचर के रत्नों में से एक माना जाता है। पाम लीफ पर लिखी गई सबसे प्राचीन सुश्रुत संहिता में से एक स्क्रिप्ट लॉस एंजिलस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखी गई है। सुश्रुत ने मेडिवल इंडिया में सर्जरी के शास्त्र को
एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाया। 600 BCE का वो समय आज गोल्डन एज ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है। 2018 में रॉयल ऑस्ट्रेलेशियन कॉलेज ऑफ सर्जन में सुश्रुत का एक पुतला अपने कैंपस में बनवाया। सुश्रुत की इस असामान्य बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर ही अमेरिकन सर्जन एलन रिपल ने कहा, ऑल इन ऑल सुश्रुत मस्ट बी कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ द मेडिवल पीरियड। सुश्रुत का मतलब होता है जिनकी ख्याति सबने सुनी हो। पूरी दुनिया में अपने काम की वजह से वो प्रसिद्ध तो हुए ही, साथ ही साथ उन्होंने भारतीय मेडिकल नॉलेज को बाकी दुनिया के मुकाबले सबसे ज़्यादा विकसित करा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सुश्रुत के बारे में जो हमने जानकारी दी है आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।